फिर साक्षी अंजल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम ऑलरेडी मैं आपको बहुत चीज़ें बता चुकी हूँ, बट यहाँ सिक्किम में 111 रेट था पेट्रोल का, और अगर मैंने यहाँ से डलवाया ना आसाम से सेम रेट है जैसे दिल्ली में रेट, 105.65 ऑलमोस्ट द सेम रेट। एंड अभी हम कॉफ़ी पिक करने वाले हैं। होमस्टे का नाश्ता। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस मधुमिता'स होमस्टे। इट्स टाइम टू गो टू द न्यू डेस्टिनेशन। हम जा रहे हैं कनोका विलेज की तरफ, विच इज अ पंचोई। तो कनोका विलेज रिजोर्ट पंचोई, सो इट्स एक्चुअली तुमने गेट तोड़ दिया, खींचा था बल्ले निकल गया बाहर। अब तुम से ढंग से लगा लो, उसे पूरा पकड़ के निकालो, बस उम्मीद थी तुमसे यही। सो अभी हमारा घर मतलब 4.5 घंटे का रास्ता है आसाम के, हम बिल्कुल मतलब कहते हैं ना आखिरी सिरे पे जा रहे हैं। एंड कल्चर वैली मतलब कल्चरल रिजॉर्ट है वो प्रॉपर। आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। पापा से पूछना पड़ेगा। सो गाइस, मैं अगर अब मैं चाहती हूँ मैं इसका प्रैंक करूँ तो बताओ मैं इसका क्या प्रैंक करूँ इस बार, प्लीज कमेंट करके बताओ मुझको। कमेंट्स नहीं पढ़ता मेरे। गाइस यहाँ पे ना आसाम का अपना ऑयल की वो है ब्रांड, मतलब यहाँ पे ब्लैक ऑयल निकलता है जिसमें आपका इंडियन ऑयल आसाम ऑयल, मतलब यहाँ पे अराउंड 1,00,000 एकड़ जमीन में आपका मतलब काम चल रहा है ऑयल पे। और उसके अलावा यहाँ पे कंप्रेस नेचुरल गैस भी निकलती है अपनी आसाम की, तभी यहाँ पे पता है मतलब सीएनजी सस्ती है, इट्स 76 रुपीज़। उई हाथी, अच्छा डीजल सस्ता है 76 रुपीज़। ओके हाथी, नॉट सीएनजी डीजल। फाइनली हमने कॉफी उठा ली है, 4 घंटे का रास्ता है एंड वी आर गोइंग टू गो। सो गाइस एक्चुअली मतलब अब पहला टोल आएगा सुबह से, एंड दिस इज वी आर गोइंग टू क्रॉस गुवाहाटी, तो हमारा पीछे रह चुका है। अभी हमारा रास्ता कुछ 3 घंटे के आसपास का है, एंड मतलब यहाँ पे बादल कितने सुंदर है। मैं भी मतलब शाम को अगर सन सेट हो रहा हो और आप सी में हो ना, तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं चेक करा हो, दैट इज अ ब्यूटीफुल 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 व्यू ऑफ इवनिंग। तो बेसिकली मुझे एक चीज़ बताओ गाइस, पेटीएम क्या बंद होने वाला है? बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सन कि पेटीएम बंद होने वाला है। एंड देयर इज अ थिंग, एमजी रोड, अगर तुम असम आए और गुवाहाटी अगर एमजी रोड चेक नहीं करी तो तुमने कुछ चेक नहीं करा, बिकॉज देर आर ब्यूटीफुल कैफेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेट ऑफ 50। देर आर कैफेज विच एक्चुअली गो टू 5 स्टार्स, एंड लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। सो गाइस अगर आप ये रास्ता देखोगे ना, इट्स एक्चुअली अ विलेज एरिया, एंड मतलब एक डेवलप्ड विलेज एरिया, लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, प्लस लड़कियां साइकिल्स चला रही थी पीछे। सारी सब्जी हैं, सब्जी मार्केट काइंड ऑफ है, और इतने लोग आए हुए हैं यहां पे पूरा। सो पता है विलेज एरिया आके भी ना मतलब दिस इज डोंट फील लाइक विलेज एरिया, बट बाहर इतना ह्यूमिड है ना, मतलब बहुत गर्मी है। अगर मैं दिल्ली से भी आ रही हूँ तो दिल्ली से ज्यादा ह्यूमिड है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग ऑब्वियसली जब कोस्टल एरिया कभी भी आते हो जो सी के नियर बाय होते हो, इतने ह्यूमिड नमी टाइप्स होते हैं ना, मतलब अजीब सी और प्यास लगती है कि यू नो यहाँ आके अपनी बॉडी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई सजेस्ट अगर आप इस प्लेसेस में आते हो ना, तो ड्रिंक सब नारियल पानी और ग्लूकोज टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। लुक एट दिस वन, बिल्कुल गांव के अंदर है। देखो खेत, मतलब जिस एरिया में हम हैं, क्या नाम है इसका, पंचोई में, ये बिल्कुल विलेज है। कनोका के लिए 400 मीटर टू गो एंड वी टर्न द राइट। अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं मतलब गुवाहाटी के लिए तो फ्लाइट्स हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोगों को टैक्सी लेनी पड़ेगी अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे ऐसे गाड़ी नहीं आती है। और दूसरी चीज, फ्लाइट तो गुवाहाटी आती है जिसके चार्जेस में भी चेंज होते रहते हैं, ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं। जब उसके चार्जेस आप ऑनलाइन देख सकते हो कि कितने चार्जेस हैं। प्लस अगर उसके चार्जेस आप देख सकते हो ऑनलाइन। और दूसरी चीज, कनोखा के चार्जेस मैं आपको जाके ही शेयर करूंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी काइंड ऑफ कल्चर्ड एंड ट्रेडिशनल रिजोर्ट जो कि यहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से है। एंड लुक एट दिस प्लेस, साइकिल एंड द पार्किंग, इट्स लुक सो मच लेविश। And you know there is a welcome drink as well. I totally love it. Acha. Let's go to reception. And their menu is very reasonable, guys. Check karo. Matlab very pocket friendly. Aapka menu bahut pocket friendly hai yaar. मैं ऑल ओवर, मतलब जहाँ तक अभी ट्रैवल किया है ना, ज़्यादा एक्टिविटीज इन कनोका। और ये कहाँ पर है गौतम बुद्ध की, वो अंदर है पीछे, इतना बड़ा है ये, अगर ये करना चाहे तो यू हैव टू पे 500, मतलब 499 रुपीज फॉर द एक्टिविटीज। तो कनोका में एक्टिविटीज भी होती है, आप एक्टिविटीज के लिए भी आ सकते हैं। नाम क्या है? मायू। मायू, आप यहीं से, इसी विलेज से? और कैसा लगता है यहाँ काम करना? ऑरेंज और जिसमें मलाई खाते हैं। एंड लुक, मतलब ये कौन सा पेड़ है? कोको फूल बोलते हैं असम इसमें। कोको, कोको फूल, कोको फूल। Look at this place, guys. This is the entry, and that's the dining area. Okay, the kids' swimming is also there. Not for us. Yep. Yes. So this is actually the boating point. Inka personal boating point. So, आपने boating करी अभी? Boating करी? नहीं. अभी तक नहीं कर. तो यहाँ पे indoor games है, guys. ऊपर क्लाइंबिंग करना छोटे बच्चों के लिए, एंड बैडमिंटन। आर यू पीछे पीछे? तो यहाँ पे लाइव किचन है, ठीक है, सामने की तरफ ओनली गेस्ट एंट्री है सामने, नो आउटसाइड फूड इज अलाउडेड। ओ माय गॉड, लुक एट दिस वाली एक्टिविटी, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट। वहाँ पे भी करी थी, कहाँ करी थी? रामगढ़ फार्म्स में, सामने चेस है, ये आप लोगों को पता है क्या होता है। एंड वो वाला एरिया तो बहुत ही प्यारा है, एंड वन ऑफ द फेवरेट ऑफ राकेश द स्नूकर। वाओ, यस, एंड द टेबल टेनिस। दिस इज द ट्रेडिशनल फूड, दिस इज राइस, दिस इज आई गेस पनीर। आपको एक मिनट आना पड़ेगा मुझे बताने के लिए क्या क्या है, जल्दी जल्दी आ जाइए ना प्लीज, बताइए क्या क्या है। शी विल हेल्प अस आउट गाइस। ये क्या है? ये टमाटर का, टमाटो, ये मिक्स सब्जी, हाँ हाँ, ये गाजर, बीन्स, अच्छा, एक आलू, एक खार असमिस का, अच्छा, ये वड़ा, ये वड़ा, हाँ, और ये चावल। मुझे वैसे ही देख के बहुत डिलीशियस सा लग रहा है। एंड दिस इज दाल, ये दोनों अलग अलग दाल है, दैट इज सैलेड एंड दैट इज लाइक अचार। सो दिस इज लाइक यू नो पूरी की पूरी असम थाली, एंड इट्स गोना बी अ वेरी वेरी डिलीशियस फूड। ट्रस्ट मी यार, ये 499 में, मगर अगर आप सिर्फ घूमने आ रहे हो, स्टे नहीं कर रहे, देन ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग दिस थाली, लाइक बनाना लीफ काइंड ऑफ वाला पत्ता, एंड यू नो हाथ से खाने वाला काम, घर वाली वाइब्स पूरी की पूरी। आई जस्ट लव द फूड। सो फूड वॉज यम्मी, मतलब ऑसम, मतलब इतने दिनों बाद मैंने कुछ घर का टाइप खाना खाया एंड होम की फील आई। प्लस इट वॉज, राकेश कैसा था फूड? प्यारा, 20 दिन से ऐसे खाने को तरस रहे थे। एग्जैक्टली, सो यू नो अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू चेंज एंड गेट रेडी, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। सो लेट्स जस्ट गो टू द रूम। दीज आर द रूम्स एक्चुअली यहाँ पे। सो भैया यहाँ पे, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिम्बस, टिम्बस, टिम्बस। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो 2 साल हो गए। कितने रूम्स हैं यहाँ? रूम तो 9 है।
नौ रूम है। अच्छा रूम कितना प्यारा है आपका, गाइस रूम कितना प्यारा है इनका, चेक करो। बाथरूम है, हमें से कोई स्मोक नहीं करता, अच्छी बात है। वाओ दिस इज सच ब्यूटीफुल एंड यस दिस इज एक्चुअली मड हाउस। हमारे रूम में मेंढक गाइस, पास जाके बनाना। नहीं 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 मैं दूर से ही सही हूँ, तुम उसको तंग मत करो, चलो कोई बात नहीं, वो जंप नहीं कर रहा। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम बाहर आ चुके हैं एंड ये अभी साढ़े मतलब 6 बज रहे हैं शाम के एंड वी वर बहुत टायर्ड। और पता है यहाँ पे सारी जगह लिखा हुआ है अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक को मतलब यू नो अवॉइड करने के लिए बोला है इस जगह पे। एंड सबसे प्यारी चीज़ पता है गार्डन है, देखो चेक करो गाइस, यहाँ पे लाइफ स्केच भी बनाए जाते हैं, सिंगल बनता है 200 में और डबल बनता है 400 में। यार ये प्लेस बहुत प्यारी है, किसी ने मास्क गिरा रखा वहाँ पे, ये ठीक है यहाँ पे। लुक एट दिस वाला झूला, ये भी झूला है, झूला इन्होंने भी वो पाले हुए हैं। पता है यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों खाना अवेलेबल है गाइस। ये तो चिड़िया है, नहीं ये भी मुर्गी है, ये भी मुर्गे हैं। हाँ बोरा हाँ, तो यहाँ भी मुर्गे हैं। बोटिंग पे चले डायरेक्ट अपा, चलो बोटिंग आप करवाते हो, हम चले बोटिंग का भी चल सकते हैं। तो गाइस हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं, लाइफ जैकेट जरूरी है। हाँ उसमें लिखा हुआ है नो बोटिंग विदाउट लाइफ जैकेट। कितना गहरा पानी है ये, 12 फीट। तुम्हें स्विमिंग आती है, मुझे नहीं आती। तो ये है 12 फीट का और ये है बोटिंग पॉइंट इनका अपना। लुक एट द सनसेट व्यू, मतलब अभी तो सनसेट व्यू मतलब बादलों का व्यू देखो, हमने सनसेट मिस कर दिया। एंड पता है जमीन चेक करो गाइस कितनी प्यारी है उधर उस तरफ, इससे पार प्रॉपर्टी की। और ऊपर से हमें लाइफ जैकेट पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप जा रहे हो। मेरी बोट्स, तो आप बोटिंग करवाते हो? हाँ। कितने टाइम से करवा रहे हो आप बोटिंग? एक साल से करवा रहा हूँ। तो गाइस हम बोटिंग कर रहे हैं इस वक्त और ये 12 फीट गहराई का पानी है। मेरे पीछे पता चले मेरा फ़ोन नीचे गिर जाए, इससे अच्छा मैं फ़ोन को इस तरफ से पकड़ती हूँ। अभी यहाँ से भी रिस्क करें से गिरने का, बट आई ट्रस्ट ऑन माई गिम्बल एक्चुअली में। एंड रुक जाओ रुक जाओ, एक चीज़ फोकस कर लो। तो आपको पैडलिंग करनी है इसके लिए धीरे धीरे, और वो बोट कंट्रोलर है और यहाँ पर डक्स भी हैं पता है। और मेरे पीछे वो वाली जगह है ना, वो ब्रिज क्रॉसिंग एरिया है। हेलो डकूस, डक्स सोने का टाइम हो गया इनके। सो गाइस यहाँ पे स्विस टेंट भी है, मतलब यू नो टेंट्स हैं। और इसके अलावा अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ पे भी डक्स हैं इस जगह पे। एंड लुक एट दिस प्लेस, इवनिंग में व्यू कितना प्यारा है इसका। 85 एकड़ में है पता, 85 एकड़ काफ़ी बड़ी जगह, बहुत सुंदर है। सो इनके पास वॉलीबॉल ग्राउंड भी है सामने की तरफ, जो कि ये रहा बिल्कुल ये रहा। और वहाँ पे एक रिवर एरिया भी है, लेक है बेसिकली बिल्कुल मेरे सामने। और यहाँ आप इवनिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है ये वो प्रोड्यूस कर रहा है जो जुगनू होता है, ये रही एग्जैक्टली। मतलब इतना पीसफुल है ना ये प्लेस, गाइस ये सोलर पैनल्स के मतलब उससे चल रहे हैं। सो यू नो देखो दिस, आई गेस दिस इज द सोलर पैनल, अभी ये चल नहीं रहा। बंद कर दिया तूने,
ये अब बंद कैसे होगा? मत कर सोला। This is nice. So we have just ordered the coffee and the blue lagoon. So it's so yummy. Trust me. New dish. You must try this one. Yummy. आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। दे हैव ब्यूटीफुल बैग्स एंड ऑल द कल्चर ग्लासेस एंड दिस इज ब्यूटीफुल। आई टोटली लव द डिजाइन। एंड बैग चेक करो, देयर रेट्स आर वेरी यू नो डाउन, मतलब बजट फ्रेंडली। एंड दे हैव देर ओन टी हाउस, तो उनका ग्रीन टी ऑल्सो। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री टेस्टिंग, सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री ऑल्सो टू टेस्ट। लुक एट द डिनर गाइस, दिस इज चपातीस एंड वी आस्क फॉर द बटर चपाती स्पेसिफिकली, और पापड़ देखो, और दिस इज एक्चुअली पनीर बटर मसाला विच लुक्स रियली यम। मैं हिलाने वाली हूँ इसको। And I asked for chawal. For the North East, mostly chawal chalte hain. Chapati is just for. Abhi asked ki hum people, and that is a salad specially for him because he liked cucumber a lot. देखने से मतलब scoop से ज़्यादा ही हो गया, मुझे देखने से अच्छा लग रहा है। And I'm gonna take the chapati. आप cook करते हो? नहीं, आप cook नहीं करते। आप serve करते हो? अचार है? हाँ, अचार है। और अचार। And I'm gonna try this chicken. सबसे बेस्ट चीज़ मुझे नॉर्थ ईस्ट में आके चपाती मिल रही है सर, कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। एंड गाइस कल मैं आपको पूरा कनोका दिखाऊंगी विलेज। इट इज़ सो यम। आज तो सिर्फ ट्रेलर था। आई एम गोना शेयर कनोका टुमारो एंड सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यू नो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज रियली सुपर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कनोका आपको कैसा लगा। सी या।